नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज MAC यानी कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। हाल ही में काफी खबरों में था, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे और इंडिया में मैंग्रोव कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, हाल में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई COP27 और 27th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये साइन किया गया। क्या है ये इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है और इसका एम है कि जो हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसकी जो कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन है उसके काम को एक्सपैंड करना और इंक्रीज करना, प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। जो मेंबर्स इंक्लूड हैं इस अलायंस में, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में, वो है UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। अब ये कंट्रीज को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जा सकता है। इसको मैंने एक अलग वीडियो में GK ट्रिक के माध्यम से कवर किया है, अगर आप GK ट्रिक देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो अलायंस है इसका एम है कि ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाई जाए जो मैंग्रोव्स का रोल है नेचर बेस्ड क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन में। देखिए, हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट, जैसे कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इन सारों को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है, फ्लैश फ्लड्स को, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को और क्लाउड बर्स्ट को, विद एनिमेशन के माध्यम से मैंने इन तीनों के कंसेप्ट को आपको समझाया है। अगर आप चाहें तो उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन बात क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जो मैंग्रोव्स हैं ये कार्बन सिंक का काम करता है, बहुत ज़्यादा कार्बन को सिंक करता है ये, तो इसकी वजह से ये एक नेचर बेस्ड क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस चीज के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना इस अलायंस का एक एम है। ये अलायंस इंश्योर करेगा कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में, उनको किस प्रकार से रिहैबिलिटेट किया जाए, अगर वो कहीं पर भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर ये बचेंगे तो ये कार्बन सिंक का काम करेंगे और ये नेचर बेस्ड क्लाइमेट चेंज का बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन है। इंडिया ने भी इस अलायंस को ज्वाइन किया है इन लाइन विद नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDCs। ये हमने बनाया था टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक, दैट इज 2.5 to 3 billion टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम एक कार्बन सिंक बनाएं जहां पे 2.5 to 3 billion टन की कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सिंक किया जा सके। और ये कैसे होगा, जब हम इस डिकेड, यानी डिकेड का मतलब होता है 10 years, तो ये डिकेड माने 21 to 2021 से लेकर 2030 तक, तो इस डिकेड के अंत तक हमने क्या करना है, अपने फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है उसको एक्सपैंड करना है। तो उसी कड़ी में अगर हम अपने मैंग्रोव इकोसिस्टम को भी एक्सपैंड करें तो ये काफी लाभदायक हो सकता है, खासकर हमारे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सिंक करने के लिए, और ये काफी अच्छा क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन हो सकता है। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC जो है, जिसके माध्यम से हम इस डिकेड के अंत तक क्या करेंगे, फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 to 3 billion टन तक की कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक किया जा सके, उसी के अंडर हमने भी इस अलायंस को साइन किया है। अब देखिए, ये जो नया अलायंस बना है इसने अडॉप्ट किया है वॉलंटरी अप्रोच, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ एम नहीं रखा गया है, जैसे कि आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं या बाकी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस होती हैं कि ऐसी कोई अलायंस होते हैं जिसमें आपके लिए टाइम लिमिट दी जाती है कि इस साल तक कितना हो जाना चाहिए, इस साल तक ये हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो आपके पास अलायंस है इसमें वॉलंटरी अप्रोच है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेंबर्स हैं जो हमने पीछे देखे, ये अपने अपने कमिटमेंट जो है ये खुद डिटरमाइन करेंगे, ये खुद डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी प्लांटिंग करनी है, कितने मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है और किस प्रकार से मल्टीलेटरल कोऑपरेशन बढ़ानी है और नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो ये जो कमिटमेंट है ये खुद अपने आप को डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे। इस अलायंस में सिर्फ ये एक अलायंस है जहाँ पे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम भी मैंग्रोव्स को रिहैबिलिटेशन है, जो उसके प्लांटेशन है या फिर उसके इकोसिस्टम को, उसके फॉरेस्ट को जो रिस्टोर करना है वो हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो अपना अपना सारों का है, वो सारे के सारे जो कमिटमेंट्स हैं वो खुद सारे लोग अब खुद ही अपने आप में डिटरमाइन करेंगे। अब ये जो अलायंस है ये सपोर्ट करता है जितने भी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जितने भी इस अलायंस के मेंबर कंट्रीज हैं, किस चीज़ के लिए, किस एरिया में, चाहे वो मैंग्रोव रिसर्च में हो, मैनेजमेंट में हो और प्रोटेक्शन हो जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, और जो पब्लिक है उसको कैसे एजुकेट किया जाए क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव की एक्सपेंशन भी कर सकें और मैंग्रोव फॉरेस्ट को बढ़ा सकें, ताकि हमारे यहाँ पर एक नेचुरल क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन निकल कर आए।
जितने भी अलायंस के मेंबर्स हैं वो सारे कलेक्टिवली डेमोंस्ट्रेट करेंगे अपने जितने भी कमिटमेंट है टुवर्ड्स जो भी हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, उसका जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, कि किस प्रकार से हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की मदद से जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको एक्सपैंड कर सकें, उसकी एक्सपेंशन कर सकें, और इसकी कंजर्वेशन में किस प्रकार से हम कौन कौन सी कैंपेन जो हैं वो हमें चलानी चाहिए ताकि हम लोगों को भी अवेयर कर सकें और अपना जो एम है मैंग्रोव्स के इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट को एक्सपैंड करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उसको हम अचीव कर सकें। तो ये जो है ये सारे के सारे अलायंस एक दूसरे के साथ इस चीज़ को डेमोंस्ट्रेट करेंगे ताकि सारे मिलजुल के इस चीज़ को अचीव कर सकें। इसके साथ साथ एक ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ इनोवेशन और रिसर्च में भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, साइंटिफिक और सोशो इकोनॉमिक स्टडीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाएगी ताकि हम साइंटिफिक तरीके से उन मैंग्रोव के फॉरेस्ट को एक्सपैंड कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। MNC है ये एक मल्टी इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म भी देगा जहाँ पर आपके पास एनुअल मीटिंग्स होगी ताकि जो प्रोग्रेस हुई है उसको एसेस किया जा सके, उसे देखा जा सके कि प्रोग्रेस हो भी रही है या फिर ये नाम की ही प्रिजर्वेशन और नाम के ही फंड्स और ये सब कुछ नाम का ही हो रहा है कि एक्चुअल में ग्राउंड जीरो में प्रोग्रेस वो हो भी रही है। तो ये एनुअल मीटिंग्स होगी एक मल्टी इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म में जहाँ पर जितने भी नेशन के अपने अपने नेशनल गोल्स होंगे उसको अचीव करने के बारे में बताया जाएगा, कितना हमने अचीव किया है, क्या हमारा टारगेट है, और उस हिसाब से फिर जो एनुअल रिपोर्ट है उनको अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा। अब देखो अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव जो है वो इंटरटाइडल रीजन्स में पाए जाते हैं। इंटरटाइडल रीजन्स यानी जहाँ पे फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो है वो इंटरमिक्स होते हैं, मिलते हैं, जैसे कि बेस, इशुरीज, क्रीक्स और लेगून्स। तो इन जगहों पे हमें जो मैंग्रोव्स हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव जो है ये साल्ट टॉलरेंट वेराइटी है प्लांट्स की, यानी कि ये हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं। साल्ट टॉलरेंट वेराइटी है इसकी वजह से आप इसको हेलोफाइट्स भी कह सकते हैं। तो मैंग्रोव आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोफाइट्स, इसको याद रखिएगा। आपसे सीधे सवाल पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर हेलोफाइट्स, तो याद रखिएगा मैंग्रोव जो है वो हेलोफाइट्स है। क्यों? क्योंकि ये साल्ट टॉलरेंट वेराइटी है प्लांट्स की, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ इंटरमिक्स होते हैं, उस प्रकार के जो इंटरटाइडल रीजन्स होते हैं जैसे कि बेस, एस्चुरीज, क्रीक्स और लेगून्स, वहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं वो पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स में ब्लाइंड रूट्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं नोमैटोफोर्स। ये जो रूट होते हैं ये इन ट्रीज की मदद करते हैं एनारोबिक सॉइल से रेस्पिरेशन के लिए, राइट? तो एनारोबिक सॉइल से रिस्पायर करने के लिए ट्रीज को मदद करते हैं रूट्स, जिनको हम बोलते हैं नोमैटोफोर्स। तो सवाल आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नोमैटोफोर्स या ब्लाइंड रूट्स कॉल्ड नोमैटोफोर्स, तो आंसर इज मैंग्रोव। देखिए अब यहाँ पे वैसे तो ये MNC जो है आपके पास मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि मैंग्रोव अब खबरों में है तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं ताकि साइंस से भी अगर आपके बायोलॉजी या साइंस में के अंडर अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो भी आप ढंग से कर आएँ। तो इसलिए हमने देखा कि सबसे पहली बात तो ये इंटरटाइडल रीजन्स में पाए जाते हैं जैसे कि फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जहाँ इंटरमिक्स होता है, बेस, एस्चुरीज, क्रीक, लेगून्स। फिर हमने देखा साल्ट टॉलरेंट है इसलिए हम इनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि इनके पास ब्लाइंड रूट्स होते हैं जहाँ पे न्यूमैटोफोर्स जिनको कहा जाता है और ये मदद करते हैं एनारोबिक सॉइल से रेस्पिरेशन के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मैंग्रोव होते हैं उनमें वीवीपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वीवीपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि ये जो सीड्स होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रीज के वो जर्मिनेट हो जाते हैं ट्रीज में ही, ट्रीज इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग, गिरने से पहले ये ट्रीज में ही क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन होती है उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वीवीपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव वीवीपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मैंग्रोव्स, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैंग्रोव्स की तो देखिए थ्री टाइप ऑफ मैंग्रोव्स होते हैं, कौन कौन से, रेड मैंग्रोव्स जो आपको कोस्टलाइंस में देखने को मिलते हैं, देन ब्लैक मैंग्रोव्स। ब्लैक मैंग्रोव जो होते हैं उसकी जो ट्री है वहाँ पे डार्क, उसकी जो बार्क होती है वो काफ़ी डार्क होती है और ये एक्सेस करते हैं काफ़ी ऑक्सीजन को। इसके साथ आते हैं व्हाइट मैंग्रोव्स। व्हाइट मैंग्रोव जो होते हैं वो रेड और ब्लैक मैंग्रोव्स के कंपैरिजन में हाईएस्ट एलिवेशन में, ऊंचाई में ग्रो होते हैं, पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के मैंग्रोव्स हुए, तीन प्रकार के, कौन कौन से, रेड, ब्लैक और व्हाइट। रेड जो हुए वो कोस्टलाइंस में, ब्लैक जो हुए उनकी जो नाम से पता चल रहा है ब्लैक, ब्लैक की जो बार्क है वो डार्क होगी और यहाँ पे एक्सेस क्या होती है, मोर ऑक्सीजन। फिर आते हैं व्हाइट, और व्हाइट में क्या है कि ब्लैक और रेड के कंपैरिजन में जो व्हाइट है वो काफ़ी हाईएस्ट एलिवेशन में आपको पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उसका 1% कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरी दुनिया में 1% जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो किस चीज़ के हैं, वो हैं मैंग्रोव्स के। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में
पूरे के पूरा जितना भी साउथ एशिया है उसमें जितने भी टोटल मैंग्रोव कवर है उसका 3% किसके पास है, 3% हमारे भारत में पाया जाता है। इंडिया का जो मैंग्रोव कवर है वो है 4975 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारा जितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 0.15 क्या है, मैंग्रोव्स हैं। और अगर हम ये देखें कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ होते हैं तो वो होते हैं वेस्ट बंगाल में। पूरे इंडिया में इंडिया का जितना मैंग्रोव कवर है उसका 42.45% कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ये है वेस्ट बंगाल का मैप, तो वेस्ट बंगाल में 42.45 है, तो हाईएस्ट इन द कंट्री कौन पे है, वेस्ट बंगाल। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, वेस्ट बंगाल। पूरे इंडिया का जितना भी मैंग्रोव कवर है उसका 42.45% कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमें एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल अलायंस बनाना पड़ा इनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको एक्सपैंड करने के लिए। देखिए मैंग्रोव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फैक्ट्स हमने पहले भी देखे कि कार्बन सिंक का काम करते हैं। मैंग्रोव इकोसिस्टम बहुत ही प्रोडक्टिव और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होते हैं पूरी दुनिया में। और जैसा हमने कहा कि सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का काम करते हैं, ये नेचर बेस्ड क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन है, ये अडेप्ट करते हैं को बेनिफिट सिंस दे आर कैपेबल ऑफ। ध्यान रखिएगा क्यों हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में इसको एक नेचर बेस्ड क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन मान रहे हैं, क्योंकि ये स्टोर करता है कार्बन अप टू 400% फास्टर देन लैंड बेस्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो हमारे लैंड बेस्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनके कंपैरिजन में, लैंड बेस्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कितना परसेंट, देखो ध्यान से, 400% फास्टर ये कार्बन को स्टोर करता है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यही एक कारण है कि इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये नेचर बेस्ड क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन है, क्योंकि जो हमारे लैंड बेस्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट, उनके कंपैरिजन में 400 गुना बहुत ज़्यादा होता है, 400% फास्टर ये स्टोर करता है किसे, कार्बन को। इसके साथ साथ जो कोस्टल रीजन होते हैं इन्हें भी प्रोटेक्ट करता है हाई सी लेवल से, इरोजन से, स्टॉर्म सर्जेस से। देखिए बात है कोस्टल रीजन की, तो ध्यान रखिएगा इंडियन कोस्ट में हमारी इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में करी एक्सरसाइज सी विजिल। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, तीसरा संस्करण था ये इस एक्सरसाइज का, 2018 से शुरू हुई थी। और इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले बात तो हमने देख ली कि जो मैंग्रोव रीजन है वो सबसे पहले कार्बन सिंक का काम करेगा, दूसरा हमने देखा कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करेगा सी लेवल्स, इरोजन और स्टॉर्म सर्जेस से। इसके साथ साथ ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी देता है मैराइन बायोडाइवर्सिटी को, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। जितनी भी ग्लोबल फिश पॉपुलेशन है उसका 80% जो है वो इसी इकोसिस्टम के ऊपर रिलाय करती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो जितना ग्लोबल फिश पॉपुलेशन उसका 80% भी इसी के ऊपर रिलाय करेगी, तो इससे पता चलता है कि क्या इम्पोर्टेंस है मैंग्रोव्स की हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही जीके वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।